उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, रिक्वायरमेंट्स कोई खास ज्यादा नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताता हूँ तुमको, रिक्वायरमेंट खास नहीं है। बेसिकली जॉब जो है वो 55-60 के तक देते हैं ना तुमको ईयर ओ, राइट? तो इट ट्रांसलेट्स टू द सेम 40,000 pounds, ठीक है? नाउ दैट इज इन माय, एज आई सेड, दैट इज कंसीडर्ड एन एंट्री लेवल जॉब, राइट? तुमने दो तीन गलतियां इसमें की है। वो ये है कि अगर मैं तुम्हारा CVA भी खोलूं इसके अंदर, एक मिनट, तुमने जो CV से इम्पोर्टेंट ज्यादा वो है ना, कॉम्पिटेंसी का जो तुमने डॉक्यूमेंट भरा है, तुमने उसमें MS Office, INPA, CAN Analyzer, DSpace, नहीं, ये मेरा नहीं है। किसका है ये? उन्होंने एग्जाम्पल दी थी, ये तो एग्जाम्पल है जी, ये एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हारा वाला है वो वर्ड डॉक्यूमेंट वाला, राइट? जी 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 जी, मैंने उसके अंदर इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, देखो तुमने क्या किया, जो तुमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे IEC, OPAL, Modbus, वो सब तुमने यहाँ क्यों नहीं लिखे? बस प्रोटोकॉल में, सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखो, देखो तुम्हारे डिसर्टेशन में तुमने सारे प्रोटोकॉल्स का पढ़ा है। जी 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 जी, ठीक है, मैं वही देखना चाह रहा था मतलब। और ये CAD का मुझे नहीं पता, माइक्रो कंट्रोलर और FEM। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम ये करो, अच्छा माइक्रो कंट्रोलर जो है तुम इसमें लिख सकते हो, जो माइक, देखो मैं तुमको बताता हूँ कि आमतौर पर जो गाड़ियां है ना, जी जी ठीक है, ये किस पे काम कर रही है। माइक्रो कंट्रोलर्स जितने भी इनके पास है ना, वो तुम जेटसन नैनो लिख सकते हो, ठीक है? जेटसन नैनो जो है वो एक ओपन सोर्स है। एक मिनट मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया हुआ तो मुझे तो बड़ा, मैं बताता हूँ, तुम अगर नहीं किया तो लिखो नहीं किया तुमने, खत्म। तुमने अर्डिनो पे काम किया है? नहीं। किसी किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जो तुम्हारे पास सिम्युलेटर्स है ना, माइक्रो कंट्रोलर्स, तुम लिख दो कि आई ओनली हैव एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन द सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ ये लिख दो, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको। वैसे भाई आपकी ना डिस्टॉर्शन आ गई थी, आवाज नहीं आई बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लिखो, आई ओनली हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद माइक्रो कंट्रोलर्स इन अ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है? यानी दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड सिम्युलेटर्स, बिकॉज वो जो सिम्युलेटर है ना सेबेटी का, वो माइक्रो कंट्रोलर की फंक्शंस को मिमिक करता है, ठीक है? तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। वो देखो, ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मैं तुमको बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ऑल्टन, ये बेसिकली सारा रिसोर्स पूल को जमा कर रहे हैं, जो BMW है, वॉल्वो है, जितनी कंपनी है ना, और तेजी के साथ इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए लेकिन इसमें डिले होगा, बिकॉज जैसे मैं कल खबर पढ़ रहा था कि जो चिप्स हैं एक गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर $800 की चिपें जाती हैं, $800 की चिप्स जाती हैं। तो वही चिप्स जो हैं वो हमारे फोन में भी लगी हुई है, राइट? जैसे कि ये मेरा, आईफोन है ना, इसके अंदर भी इसी तरह की चिप्स लगी हुई है, राइट? तो हो ये रहा है कि मार्केट में चिप्स की शॉर्टेज हो रही है। इसका मतलब है कि भाई, आई थिंक आवाज ना बिल्कुल कट गई है, नेट का शायद इशू है। हम अपनी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आई, अपनी वीडियो ऑफ कर दो शायद, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। सो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जो है थोड़ी सी बेहतर हुई? नहीं हुई, वीडियो भी स्टॉप हुई है कोई। तुम अपनी वीडियो दोबारा से स्टार्ट करो। ओके ठीक है, अब स्टार्ट कर लो वीडियो दोबारा से, कोई मसला नहीं है। नहीं, आई थिंक अब आवाज कुछ ठीक आ रही है। ओके ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, बेसिकली इन सब में हो ये रहा है कि नहीं फैसल भाई, फिर जो है ना, फिर बीच में कट गई है बिल्कुल ही। अच्छा, वीडियो भी पॉज हो गई थी, और जो है तुम जो है ना, इसकी जो अपनी आवाज है तुम उसको रिकॉर्ड कर लो, कॉल कर लो मुझे कॉल पे, मैं तुम्हें कॉल से तुमसे बात कर लूंगा। कॉल कर लो और यही वीडियो पे रहो, यहीं पर ही, ठीक है? और कॉल कर लो, सबर। हाँ, आवाज आ रही? जी 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 जी। ओके अच्छा, अपने आप को वहां पर म्यूट कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हारी जो आवाज है ना वो वाइब, वो डिस्टॉर्ट नहीं हो, फैले नहीं।
नहीं तुमने इस कॉल को म्यूट कर दिया, मैं इस कॉल को म्यूट करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वहां पर, वहां पर ठीक है अब ठीक है। नहीं जूम पे म्यूट रखो और फोन पर आ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है अच्छा ओके सो मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, मैं इस पे रख के बात करता हूँ तुमसे, ठीक है। और अपना स्पीकर भी वहां पर जो है ना, स्पीकर अपना स्पीकर भी तुम उस पे कर दो, म्यूट पे कर दो, अब स्पीकर बंद कर दो मैं कंप्यूटर पे। तो अब तुम्हें मेरी आवाज सिर्फ फोन से आ रही होगी? हाँ जी, जी लेकिन एको एको क्यों क्रिएट हो रहा है? नहीं नहीं ये ना ऐसा करें, आप अपनी आवाज यहाँ से म्यूट कर दें। और अगर मैं अनम्यूट करता हूँ तो आवाज मेरी वाइब्रेट करती है। तुम जरा वापस इस पे आओ, जूम पर वापस आके देखो क्या होता है, ठीक है? जूम पे तुम वापस जूम पे अनम्यूट करो अपने आप को। बिस्मिल्लाह, ये रहा था कि मैं अपने सिस्टम की आवाज है वो बिल्कुल म्यूट कर देता हूँ। नहीं नहीं सिस्टम की आवाज खुली रखो, उससे कुछ नहीं होगा। एनीवे हम इसके ऊपर काम करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है? तो तुमने यहाँ पर ये मैंने तुम्हारे लिख दिया है, मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट वापस कर दूंगा, ठीक है? नाउ इसके बाद जो ये FEM सॉफ्टवेयर और CAD क्या है? CAD जो है बेसिकली वो एक डिजाइनर सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप ना आर्किटेक्चर की चीजें वगैरह बनाते हैं। इंजीनियर्स आमतौर पर यूज करते हैं AutoCAD और इस तरह की चीजें ना। अच्छा AutoCAD, हाँ AutoCAD। तो अगर तुमने इस पे काम किया है ठीक है, नहीं काम किया तो बोलो भाई इसमें मैंने काम नहीं किया। नहीं AutoCAD पे मैंने ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। FEM सॉफ्टवेयर को भी तुम बोल दो कि भाई मैंने इस पे काम नहीं किया, ठीक है ना? ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशंस की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जरूरी नहीं कि तुम सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सको, ठीक है? हाँ तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकली सॉल्विंग सॉफ्टवेयर है FEM का ना, जो इंजीनियरिंग में मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज होता है। अगर तो तुमने कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग या कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है तो तुम लिख सकते हो। हाँ एनीवे एक मिनट, मैं जरा खजूर खा लूं। जी जी अच्छा, इसके बाद जो तुम्हारे टूल्स हैं, ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर का हो गया, FEM सॉफ्टवेयर का हो गया, ठीक है, CAD का हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग तुमने लिख दिया। अच्छा जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स में तुमने इन सब प्रोटोकॉल्स का नाम लिखना है जो तुमने डिसर्टेशन में किए थे, ठीक है? जी जी। तो मॉडबस है, ठीक है, IEC 104 है, चेक कर लेना, IEC 106 है, ओपल है, ठीक है, OPAL, और एंड मेंशन ऑल द एप्लीकेबल protocols as you covered in your dissertation, ठीक है? तो उसको properly लिख लेना, एक मिनट जरा सब्र करना। जी जी ठीक है करो, ठीक है ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, तुम्हारा ये हो गया, इन डिसर्टेशन के हिसाब से तुम सारा लिख देना प्लीज, ठीक है ना? सबमिट करने से पहले मुझे डॉक्यूमेंट दिखा देना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में तुमने ट्रेलो एंड जीरा लिखा है, ठीक है, सही है। अच्छा इसके बाद तुमने वर्क एक्सपीरियंस में लिखा है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड कंटिन्यूअस टेक्स्ट, राइट? तो यहाँ पर तुमने वो सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है, लिखना है जो तुमने कवर किया है, जो तुम्हारे मैंने सीवी में डाला था। तुम्हारा ओरिजिनल सीवी कहाँ गया? एक मिनट सबर करो, मैं देखता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट तुमने जब को सीवी जमा कराया था कौन से जमा कराया था जरा मेरे साथ शेयर करो।
जरा क्विकली जरा मेरे साथ सीवी शेयर करो उमर, जो तुमने जमा कराया था। उमर तुम्हें आवाज आ रही है? मैं जी, जल्दी से जरा मेरे साथ वो सीवी शेयर करो जो तुमने जमा कराया। अच्छा। अच्छा सही। ये सीवी तो मेरे ख्याल से इकराम भाई ने, इकराम भाई को जो दी थी वो। हाँ तो वो कहाँ है? लेटेस्ट थी। जी, कौन सी वाली? जिसमें मैंने काम किया था वही थी, जिसमें मशीन लर्निंग भी डाला था वही वाला। जी 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 जी, जी मैंने आपको सेंड कर दी। अच्छा ठीक है, सही। व्हाट्सएप? हाँ हाँ मैं खोल रहा हूँ। ओके मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पर तुम्हारा जो वो है उसमें तुमने ये क्या नाम है, अनाफे का भी एक्सपीरियंस दिखाया ना? नेट फिर जो है वो आई थिंक अनस्टेबल हो गया, और मुझे मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने तुमने अनाफे का भी एक्सपीरियंस दिखाया था। इस वाले यही वाले सीवी जमा कराया है अनाफे इनकॉर्पोरेटेड कनाडा? हेलो उमर, मैं आपको, मुझे लगता है मुझे कॉल करनी पड़ेगी, मुझे आवाज कोई नहीं आई आपकी। अच्छा ठीक है, तुम कॉल करो, तुम इससे बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सब चीजें दिखा दूंगा। ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मुझे कॉल करो। हाँ जी। सो तुम इसको यहाँ पर म्यूट कर दो। ठीक है, ओके। सो मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, अब ये यही मसला होगा ना, तो यहाँ पर हम इसको, सुभान अल्लाह यार, अब ठीक है, मैंने अपने तरफ से स्पीकर बिल्कुल म्यूट किया। तुमने स्पीकर म्यूट कर दिया था, तुम्हारी आवाज, अच्छा तुमने अपने कंप्यूटर की स्पीकर म्यूट कर दिए? कंप्यूटर का स्पीकर। बस सही, ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने यही वाला सीवी जमा कराया था उनके पास? मैंने नहीं किया था, ये ग्राम भाई ने किया था। यही वाला, ये जिसमें तुमने अनाफे इनकॉर्पोरेटेड कनाडा का भी एक्सपीरियंस डाला था? हाँ जी, क्योंकि ग्राम भाई को यही दी थी। ठीक है ठीक है। तो इसमें तुमने दो तीन चीजें लिखनी है, ठीक है, और मैं इसको कंसाइज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा काम करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। और यहाँ तुमने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लिखा है, यहाँ पर तुम्हारे पास दो रोल्स हैं, राइट? सो तुमने यहाँ पर अनाफे इनकॉर्पोरेटेड का भी एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा तुमको, रिमेम्बर? नहीं, मुझे लग रहा है इकराम भाई को नहीं, इकराम भाई के साथ ये सीवी शेयर नहीं की मैंने, मैं फिर भी उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ पहले तुम उनसे पूछ लो, द थिंग इज कि अगर तुमने, हाँ इट डिपेंड्स, तुम्हारे सीवी शेयर नहीं है उनके साथ। हाँ तो मैं जरा पूछो उससे जरा कि कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सा तुमने जमा कराया, बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू कम्युनिकेट, राइट? ठीक है, यहाँ पर ये चीज जो है ना, ये चीज यहाँ तुमने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। ठीक है, तो ये तुम्हें सब चीजें बतानी है। एनी वे इसको हम देखते हैं, इसमें क्या करना है, मेन फोकस तुम्हारा क्या है, कॉम्पिटेंसीज में तुमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, मेन फोकस नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सुइट्स?
साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स एसोसिएटेड डोमेन्स. Like to infuse cybersecurity requirements analysis with machine learning. Deep learning and AI to get to achieve the best results. And then focus number three is looking for name. An analytical person who has vast knowledge in cybersecurity and its associated domains. Like to infuse cybersecurity requirements analysis with machine learning, deep learning, and AI to achieve the best results. And looking for, I mean, not looking, you have two competencies. Lifelong learner is on a quest to learn and enhance skills within cybersecurity, digital forensics, SCADA, देखो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया यहाँ पर. अब तुम इसके अंदर FOREN SICS इसके अंदर ना तुम मेरे पास जो ये मैक में जो ऑफिस है वो बहुत पुराना है. ठीक है, गालिबन ये बहुत बहुत पुराना है, 2011 का मैक है. ठीक है, तो उसमें कुछ वो जो स्पेलिंग है ना वो आ नहीं रही सही तरह. बट तुम उसको देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तुम देख लेना, क्योंकि गलती तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है यहाँ पर. मैंने यहाँ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें डाल दी हैं. अब तुमने जो एक्सपीरियंस है उसको सही तरीके से लिखना है, और उसके बाद उसको हम देखते हैं जब तक कन्फर्म करता है. फर्दर इकराम भाई के साथ जो है वो अपडेटेड सीवी शेयर नहीं हुई थी, तो तुमने साथ है ग्रुप में यही सीवी शेयर हुई है सर. अच्छा, उनके साथ वो कोई सीवी शेयर नहीं हुई. तो तुमने कौन सी वाली शेयर तुमने की उसके साथ? ग्रुप में जो है ना वो यही जो शेयर हुई है वो मैं आपको आपके साथ करता हूं. उसने सबमिट कौन सी वो ये वाली है. सवाल मेरा है कि उसने सबमिट कौन सी की है? जब उनके पास है ये तो फिर सबमिट भी आई थिंक यही की होगी उन्होंने, जब मैंने आपको कुछ शेयर की है, क्योंकि उनके पास अपडेटेड सीवी तो नहीं थी. नहीं तो तुमने कौन सी वाली की थी? मशीन लर्निंग जिसमें इंट्रोड्यूस किया था वो वाली थी या पुरानी वाली थी? तुम्हारे तीन वर्जन सीवी के, एक तो तुम जो पाकिस्तान से आए थे तुमने वो वाली दी थी उसको, या जो मैंने चेंज करके दिया था वो वाली दी थी? कौन सी? नहीं, मैंने अभी आपको एक और सेंड किया ना व्हाट्सएप पर, वो चेक करें, वो भी आप ही ने बनाई थी फेब्रुअरी वर्जन वाली. हाँ जी 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 ठीक है, इसको देखते हैं, खोल के देखते हैं. ये है तुम्हारी ठीक है, और यहाँ तुम्हारी सारी ट्रेनिंग्स लिख दी हमने. हाँ तो ये सब तो मैं ये बस ठीक है, बस सही है. ठीक है, मैं अभी इसको अभी इसी वक्त डाल देता हूँ. ठीक है, तुम्हारा हो गया, सही है. तो ये तुमने अच्छी सी भी जमा कराई उसके पास.
और यहाँ तुमने इसके साथ लिखना है कि ओवर द कोर्स ऑफ 2019, ठीक है, टिल प्रेजेंट तुमने ये काम किया सारा. So, Jan 2019. अच्छा इशू ये है कि ये WhatsApp ही that के थ्रू तो ही कॉल है, तो यहाँ पर भी आपकी आवाज कट जाती है. I think तुम्हारे साथ मसला हो रहा है उसका. हाँ जी, ये यहाँ पर नेट का इशू है. हाँ ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ इशू है इसका, देख उसका बाद में. मैं इसके लिए इतना वरिड नहीं हूँ अभी, मुझे दूसरे काम करने हैं अभी, जो तुम्हारा मसला यहाँ पर हल करना है. हाँ हाँ, मैं इधर ही बैठा हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, सब्र. उसके बाद तुमने यहाँ पर लिखना है अपना फर्स्ट क्लास से तुमने, ठीक है. अच्छा, उसके बाद तुमने यहाँ पर ये लिख दिया. ओके, अच्छा नेट सॉल में तुमने अलग काम किया है, नेट सॉल का तुम्हारा अलग वो है. आपकी आवाज नहीं आई. मैं इस पे काम कर रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ भी नहीं रही तो कोई मसला नहीं है. मैं जब काम करके तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दूंगा फिर मैं तुमसे इससे आगे मजीद बात करता हूं, क्योंकि मकसद मेरा ये कि तुम्हें पहले डॉक्यूमेंट मिल जाए तुम्हारा, उसके बाद तुम उसको देखते रहना. अच्छा, दिस नाउ लुक्स गुड, ये अच्छा लग रहा है. इसमें दो तीन चीजें तुमने करनी है, ठीक है. मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तुमने दो तीन चीजों का मतलब है कि तुमने ये तस्करा करना है. जैसे कि अभी जो नया स्टैंडर्ड आया है, दो तीन चीजें आपने क्या बोली? बताता हूँ सब. ये एक नया स्टैंडर्ड आया है साइबर सिक्योरिटी का, इसका नाम है ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. ये ISO 21434, ठीक है. व्हाट इट डज इज बेसिकली के जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अलग इश्यू है व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, राइट. तो उसके अंदर सप्लाई चेन का है, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेशन टू साइबर सिक्योरिटी, मुख्तलिफ चीजें हैं, राइट. तो ये जो तुम्हारी जो जॉब है उस वो ऑटोमोटिव सेक्टर में ना, किसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया इसको? हाँ उमर, मैं कह रहा हूँ आवाज बिल्कुल नहीं आई जब आपने बोला ना ऑटोनॉमस साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क. मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें तुमने जो काम किया है बेसिकली, जो तुमने जॉब जिस जगह अप्लाई की है वो ऑटोमोटिव में BMW में भेज रहे हैं, तो मतलब खैर तुम BMW में जाओगे जहाँ पर ऑलरेडी इकराम काम कर रहा है इंशाल्लाह. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सवाल वो उन्होंने मेंशन किया है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि ऑटोमोटिव सेक्टर में मेंशन किया? इकराम इसको दोबारा कॉल करते हैं यार, ये एक बड़ा मसला है कि इकराम बोल रहा हूँ मैं. हाँ अब आवाज आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया था, जिसके लिए तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये ऑटोमोटिव सेक्टर की सिक्योरिटी के लिए. नहीं,
हाँ जी, ये इसका जो टाइटल है जॉब का वही वही ऑटोमोटिव है ना, साइबर सिक्योरिटी ऑटोमोटिव। ठीक है, सही है। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं नहीं सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा तुमने, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, जो तुमने स्टेटमेंट ना उनको देनी होगी, ठीक है? सही है, मैं एक स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ, सब्र करो ताकि फिर तुम स्टेटमेंट वही यूज कर सको। इसके बाद मुझे एक और लड़के को ना एरोस्पेस के अंदर जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। माशाल्लाह। हाँ, यहाँ कनाडा में आया था फुल ब्राइट स्कॉलर अभी, हाँ, अच्छा वो सही, अहमद ठीक अली खान, उसको उसका इंशाल्लाह उसको करना है MDA के अंदर ना। माशाल्लाह। हाँ अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो तुमने बताना है, ट्वेंटी थर्टी है ना यूरोपियन का लॉ, जिसमें 2030 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सारी हो जाएंगी, क्या उसकी एक प्रिसाइज डेट क्या है 2030? यूके में तो मुझे लग रहा है 25, 2025 है, बाकी जो है उसने 2030 का है। जर्मनी, जर्मनी ने क्या कहा है? तुम जर्मनी जा रहे हो तो जर्मनी किसमें क्या है? 2030, मैं गलत नहीं था, कंफर्म करना चाह रहा था। आई हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग, दैट्स व्हाट अल्लाह टॉट अस, अच्छा राइट? ये फैसल भाई, ये मुझे ना ईमेल जो आएगी स्टार्ट पर लिस्टिंग योर मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस फर्स्ट, उसके अंदर कुछ ही बुलेट्स भी दिए हुए हैं, अब मैं चेक किया, मैं आपको सेंड करता मैंने हूँ डाल लिंक दिए, जो डाल लगे दिए, व्हाट्सएप मैंने पे। डाल दिए वो, तुम व्हाट्सएप कर दो, मैं देख के बता दूंगा नहीं तुमको। ये कोई नई मेल आई है? उसमें लिखा है, देन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट गोल्स, 1 to 2 sentences, लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स प्रोजेक्ट और द टास्क कंप्लीटेड, कलेक्ट पॉइंट्स को मैंने सेंड किया आपको। मैं भी देख लेता हूँ उसका। जी, मैं लिख रहा हूँ कि तुम्हें एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, जो तुमने जी आखिर में एक स्टेटमेंट बतानी होगी, ठीक है? जी ताकि वो कहते हैं ना जी जी सील द डील वाली बात, कि आपने मतलब जी कि ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, कि उन्होंने कहा कि यार बस अब इसको फौरन से बुला लेते हैं इधर इंशाल्लाह, राइट? सो उसके लिए थोड़ा सा इंशाल्लाह ज़रा सोचना पड़ता है। ऑन द साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स, रोल जॉब का रोल क्या है ऑटोमोटिव सेक्टर में, जरा दोबारा कंफर्म करके बताओ मुझे, दोबारा करके मैं बताओ। कंफर्म करता हूँ,
साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ऑटोमोटिव. कौन सी? ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर. इंजीनियर ना. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो मैं तुमको बताता हूँ मैंने तुम्हारे लिए फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखी है कि अगर तुमसे पूछें कि भाई तुम क्यों काम करना चाहते हो. ठीक है ना? ऑटोमोटिव एंड एरो एप्लीकेशन. यार एक तो मुझे ना लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं आता, जिनको पकड़ पकड़ के बोलना पड़ता है भाई. इट डजंट मेक एनी सेंस. देखो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो मैं तुमको बोलता हूँ बताता हूँ ऑटोमोटिव सेक्टर. सो वो तुम्हारा मैंने सब कर दिया, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. लेकिन एंड में इसने एक बात की है, इसने कहा है कि भाई क्यों काम करना चाहते हो. ठीक है ना? क्यों? तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्टेटमेंट लिखी है और वो मैं सवाल भी लिखा है. ठीक है कि भाई ओपनिंग स्टेटमेंट या तुम क्यों इस जॉब में इंटरेस्टेड हो. ठीक है? तो मैं तुम्हें इसको यहाँ व्हाट्सएप चला कर वहाँ से मैसेज करके तुम्हें फिर तो तुम्हारे सीवी में एक लास्ट स्टेटमेंट डाल देता हूँ. इस स्टेटमेंट को तुम अपने पास रखो, सीवी में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने सामने रखना और तुम उनको पढ़ के बता सको. ठीक है? सही है ना? तो ये तुम्हें मैंने दे दिया. अच्छा ये कर दिया मैंने, तुम्हें भेज दिया. तो देखो द रीजन आई वांट टू परसू द रोल इज बिकॉज बाय 2030 ऑल कार्स विल बी इलेक्ट्रिक एज नो मोर कंबस्टेबल इंजन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर द ईयू मैंडेट. राइट? 2030 में सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और ईयू का मैंडेट है. I have hands-on experience in ISO 27001 and its family of standards and would like to work on the cybersecurity aspects of electric cars and industrial networks. This is a developing area presently and I already have an edge. Yeah, thodi si mistake hai kyunki main jaldi likh raha tha. I already have an edge in working on various cybersecurity standards. The key areas which appeals to me as per this job is automotive cybersecurity standards, relation between security and functional safety, detection of security weaknesses and vulnerabilities, including side channels, DOS, fault injection, and other attacks, along with the security challenges for automatic, automotive and aerospace applications, right? And finally, the hardware trojans and detection methods creation for automotive sector. So, तुमने अपने आप को इस तरह से बात करनी है कि बोलो भाई कि मैं इसमें interested हूँ. और मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं? बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एंड दिस दैट इज द फ्यूचर बाय द वे. ठीक है? इन 5 महीनों में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन 5 महीनों में मैं पीछे बहुत डेवलपमेंट कर रहा हूँ कोर्सेज की. तो जो नए कोर्सेज आ रहे हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, एम्बेडेड फर्मवेयर की टेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर. राइट? मुख्तलिफ चीजें. उसका फायदा ये होगा कि न सिर्फ हमारे बच्चों को वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग आती होगी, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती होगी, बग बाउंड्रीज आती होंगी, वो तमाम चीजें. उसके अलावा उनको बेसिकली जो है क्या नाम है, जो जो डेवलपिंग इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज उस पर भी काम आता है. राइट? तो तुमने पढ़ते रहना है. तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें ये गाड़ी के सॉफ्टवेयर देंगे, वो लिनक्स बेस्ड होगा, तुम्हें इसको स्कैन करना है, तुम्हें इसके ऊपर वेब अटैक्स करने हैं, तुम्हें इसके ऊपर एप्लीकेशन अटैक्स करने हैं, तुम्हें इसके ऊपर नेटवर्क अटैक्स करने हैं, तुम्हें इसके ऊपर मेमोरी फॉरेंसिक्स करनी है,
बहुत सारे काम करने हैं, और उसका मेलवेयर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब अगर जैसे स्टकनेस था, हर गाड़ी में फैल गया था ना, राइट, मतलब कि हर नेटवर्क में फैल गया था, राइट, तो अगर स्टकनेस की तरह कोई ऑटो नेक्स्ट के नाम से कोई किसी ने बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक ऐसी बात कर रहा हूँ, अगर बड़ा अच्छा नाम है ऑटो नेक्स्ट, ठीक है, स्टकनेस की तरह अगर किसी ने ऑटो नेक्स्ट किसी ने बना दिया और तमाम गाड़ियों में जंप करता हुआ फैल रहा है, बिकॉज ये गाड़ियां RFID से मुख्तलिफ चीजों से अपने आप को अपडेट करती हैं, ठीक है, वायरलेसली अपडेट करती है, मेरी गाड़ी है वो वायरलेसली अपडेट करती है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली, तो उन तमाम को अगर देखा जाए तो उन तमाम का जो वो जो सिक्योरिटी है वो है, अब ये इवॉल्विंग चीज है, यहीं पर दुनिया इस तरफ जा रही है, राइट, तो तुम बोलोगे कि भाई मेरा इस वजह से मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो तुमने इसके ऊपर बात कर, तो ये तुम्हें स्टेटमेंट मैंने दिए, इस स्टेटमेंट को याद कर लो, इसको समझ लो, इसको पढ़ लो, ठीक है, और आखिर में बोल देना कि मेरे साथ ना जर्मन लैंग्वेज का इम्पीडिमेंट है, बट इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी आई कैन लर्न द जर्मन लैंग्वेज इन विद इन फ्यू मंथ्स टाइम, वो तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है, लेकिन BMW में सब लोग जो है वो बेसिकली उस पर काम करते हैं, क्या नाम है, इंग्लिश में बात करके काम करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा तुमको, ठीक है, उसकी वजह से तुम परेशान मत होना कि यार क्या हुआ, लेकिन तुम्हें PR के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ जगहों में यूरोप के अंदर, तो उनको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, सही है, एनीवे, तो वो तुम बता देना कि मैं कर लूंगा। अच्छा, अब ये बात रही कि तुम्हारे जो जो CV है उसमें क्या चीज़ें हैं, मैंने तुम्हारी CV को बना दी है, यहां पर ही यूज मेथड एंड टूल्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कौन से टूल्स, कौन से वाले टूल्स, वो दोबारा उसको ओपन करें, मेरे पास खुला हुआ डॉक्यूमेंट, अच्छा मेरे पास क्या है, यहां पर एक वो हेडिंग आ रही है ना, यूज मेथड्स एंड टूल्स, मेरे पास शो यूज मेथड्स एंड टूल्स, जी हाँ, तो मेथडोलॉजीज कौन सी तुमने यूज की है, तो तुमने यहां पर jQuery PHP MySQL ये पहले से लिखा हुआ था, नहीं ये तो खैर ये पहले वाले में लिखा हुआ है ना, ये जो जिसमें सर्विस सिक्योरिटी का डाला है आप, मेरे पास खैर अभी शो ही कुछ नहीं हो रहा, नहीं मैंने तुम्हारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर की हुई, तुम्हें नजर आना चाहिए, नहीं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैक है, वाइट है सब, रियली यार ये इसके साथ फिर एक बहुत बड़ा मसला है, ये तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि क्या चक्कर है, मैं इसके साथ फिर एक काम करता हूँ, एरो मूव हो रहा है लेकिन, हाँ मैं डेस्कटॉप पूरा, चलो पूरा डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, अब नजर आ रहा है, जी जी अब आ रहा है, हाँ तो ये एक बड़ा चक्कर है इसके साथ यार, ये खैर ये एक मसला होता है मैक के साथ, और मैक जो है ना थोड़ा सा परेशान करता है, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट कहाँ गया, मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट खोलता हूँ वापस से, ये रहा, नजर आ रहा है तुम्हें डॉक्यूमेंट, ये नजर आ रहा है, असलम मोहम्मद MSc डेटा साइंस, नहीं डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, नहीं डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, अच्छा CV नजर आ रही है, नहीं अब आ रहा है साइट पे, अभी लिखा रहा है MSc कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसीज वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक ओके, सो ये तुम्हारा वो है जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने डाला है एन एनालिटिकल पर्सन हु हैज वास्ट नॉलेज इन साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स एसोसिएटेड डोमेन्स, लाइक टू इन्फ्यूज साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस विद मशीन लर्निंग एटसेट्रा, सेकंड पेज पर एशिया पोल्ट्री के जो उसके नीचे, ये यहाँ पर पेज, ये इधर वाला नेटसॉल, ये वाला दूसरे वाले इधर, हाँ तो तुमने कौन कौन से टूल्स यूज किए थे मैं तुमको बता देता हूँ, जो तुमने लिखना है, ठीक है, ISO 27001, CIS Top 20 बिकॉज तुम इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, वेरियस ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, उनके पास जो एप्लीकेशंस थी वो कैसे बनी हुई थी, वहाँ सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं था, वहाँ जो था सिक्योरिटी का तो बिल्कुल भी नहीं था ना, वो डेवलपमेंट का था सब काम। अरे मैं ये तो कहूँ, ये इन्होंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है ना वो बेसिकली उसमें मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो इंग्लिश में उठा रहा है, वो जर्मन में उठा रहा है सब कुछ। अच्छा हाँ, तभी तो वो ये डॉक्यूमेंट जो है ना उन्हीं का डॉक्यूमेंट है ना, तो इसीलिए मैं हैरान हो रहा हूँ कि आपके यहाँ सब जो है वो एरर क्यों दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी समझ आया, क्योंकि देखो जब मैंने एप्लीकेशन भी किया ना, एप्लीकेशन राइट, तो अब मुझे समझ आया कि क्या चक्कर है, अगर मैं स्पेलिंग पे जाऊं तो बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट को चेंज करना पड़ेगा, देखो डिक्शनरी जो है इसकी और सब कुछ ना, आई थिंक इसकी इस वजह से मसला हो रहा है,
कि लिख तो तुम मैन्युअली पढ़ लेना सब कुछ, ठीक है, उसके बाद कर लेना. दैट इज वाई हर चीज रेड में आ रही है, दैट इज द रीजन. ठीक है, तो ये इसलिए एक मसला है. एनीवे इसमें तुम ना सिक्योरिटी, ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, इस तरह की तुमने चीजें लिखनी है सारी. ठीक है, देखो हालांकि नेटवर्क डिवाइसेस की स्पेलिंग से लिखी जो है फैसल भाई, यहां पर भी जो है ना, ये ऊपर टाइटल से नीचे जो है और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मांगी हुई है, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेक्स्ट, और ऊपर वाले भी मांगी हुई. हां तो मैंने ये लिख दी, मैंने तुम्हारी लिख दी. अगर तुम्हें कंटीन्यूअस, अगर तुम्हें वो चाहिए कि मीनिंगफुल ही नहीं, तुमने क्या काम किया और क्या काम था, राइट, तो मैं काम करता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो. तुम्हें जमा कब कराना है? आज मुझे मंडे को. नहीं, तुम्हारे ट्यूसडे को इंटरव्यू है ना? जी जी जी. कितने बजे? देखो मेरा है 3 बजे. 3 बजे तो तुम्हें बेसिकली, हाँ तो तुम्हें जो है ना इसको संडे को जमा करा देना चाहिए. तो मैं तुम्हें ना छोटे छोटे, तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से छोटे छोटे तुम्हें पैराग्राफ्स बना के देता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या था, हाँ क्या चीजें थी, ताकि अच्छा इन द मीन टाइम तुम जो हो जाओ ये बस प्रोटोकॉल्स जो हैं इनको सही तरह लिखो, जो तुमने सारे पढ़े थे, जो मैंने पढ़ाए, जो तुमने डिसर्टेशन में सारे किए, उनको यहाँ लिखो. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, अगर तुमने जितने भी हैकिंग 101 में अभी तक जितने टूल्स कर लिए उनका नाम लिखो. टूल्स में सारे, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट, तो उनका नाम लिखो, भर दो इसको, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. ठीक है, टूल्स जितने तुम्हें आते होंगे, टूल्स आर टूल्स, तुम्हें जितने टूल्स आते हैं इतना अच्छा है तुम्हारा. ठीक है, बस प्रोटोकॉल्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मैं इनको छोटा सा पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ, लेकिन तुम जाओ अपने डॉक्यूमेंट पे काम करो. बल्कि मैं तुम्हें इधर से शेयर कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया मैंने. ठीक है, इसी को मैं भेजता हूँ, तुम अपनी सब चीजें इसके निकाल लो यहाँ से जो तुम्हें करनी है. ठीक है, इसको तुम अच्छा सा लिखो. ठीक है, CAD तुमने CAD टूल्स पे काम नहीं किया, पर लिख दो कि भाई आई नो हाउ टू ऑपरेट देम, दैट्स इट. आई मीन इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू. ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स एन आर्किटेक्चुरल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, यू वोंट बी यूजिंग देम बाय द वे, तुम्हारा काम नहीं है. ठीक है, अगर तुम ना भी लिखो तो छोड़ दो, तुम छोड़ दो उसको. ठीक है ना, जो FEM सॉफ्टवेयर्स हैं उसको भी छोड़ दो फिलहाल, अभी अनलेस एंड अनटिल मैं तुमको बताऊं कि क्या है. इट्स अ मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन तरह तमाम चीजों में होता है, फ्लूइड फ्लो, मास ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इस तरह चीजें देखने के लिए. वो तुम्हारा काम तो नहीं है ना, वो इंजीनियर्स का काम है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द एप्लीकेशन, द ड्राइविंग एप्लीकेशन इटसेल्फ, रादर देन बेसिकली द ड्राइविंग एंटिटी इटसेल्फ, रादर देन चेकिंग के इसका डिजाइन कैसा है, जब गाड़ी तेज चलेगी तो हवा किस तरह से काटेगी, थर्मो डायनामिक्स क्या है उसका, वो चीजें तुम्हारे काम की नहीं, राइट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. When you work as a team, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है, right? ठीक है, तो तुम्हारा जो काम है वो different है, सही है. तो मैं इसको ठीक करता हूँ, लेकिन तुम इसको देखो, इसको ज़रा अच्छी तरीके से करो, mention करो इसके ऊपर, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर मजीद वो करते हैं, और कल तक जो है ना इस डॉक्यूमेंट को तुम फिर जमा करा दो. ठीक है, सही है. मैं यहाँ पर ना कुछ और चीजें भी डाल दूंगा, वो जो मैंने तुम्हें जो भेजी है वो प्लीज जरूर अच्छे तरीके से स्टेटमेंट याद कर लेना. तुम्हारा इंटरव्यू इतना लेंदी नहीं होगा, तुम इकराम से बात करके पूछ लेना कि इंटरव्यू कैसा होता है. बहुत हल्का फुल्का इंटरव्यू लेते हैं, कोई इतना वो नहीं है. ठीक है, और इंटरव्यू के हवाले से मुझे इशू हो रहा था, क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट इनकी तो सिर्फ दो तीन चीजें हैं ना, जिसमें से मुझे पाइथन आती है, बाकी तो नहीं आता, नहीं यूडीए साथ आता है, जो है वो दूसरे वाले जो दो प्रोटोकॉल है वो भी नहीं आते, तो उस हवाले से मुझे हो रहा था कि जो है देखो तुम क्या उस प्रोटोकॉल्स का क्या नाम था, एक तो UDS था है और जी जी और दूसरा है एक है, मैंने तुम्हें कहा ना UDS जो था वो यूनिफाइड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल होता है, जो कि गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, एक डिवाइस आता है, मेरे पास भी घर में है, अगर मेरी गाड़ी की लाइट जल जाती है ना इंजन की, ठीक है, नई गाड़ी है तो उसमें अगर मुझे मैकेनिक के पास नहीं जाना तो मैं वो सीरियल यूनिट से लगा के चेक कर लेता हूँ कि यार ये डायग्नोस्टिक एरर क्या क्या, इसका मतलब क्या है. इट्स नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जिसने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है उसने उसने इंजीनियर जो गाड़ी बना रहा है उसके अभी थोड़ा सा काम लिख दिया,
और इंजीनियर जो बेसिकली गाड़ी के मैकेनिक है उसका भी काम लिख दिया, और सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब में भी थोड़ी सी चीजें लिख दी। काम तुम्हारा सिक्योरिटी एनालिस्ट का है, तुम्हारा काम वो नहीं है। You have experience in embedded software development. More sabar hoga maa, pinza mein. Haan? Kya keh raha? You have experience in embedded software development and with cryptographic algorithms. वो तुम, हाँ, वो तुम इसमें mention कर देना, अब वो mention करने हैं, cryptographic algorithm जो है, Elgamal है, RSA है, public and private key encryptions हैं, ये सब चीजें तुमने लिखनी हैं इसके अंदर। तुमने cryptography में पढ़ा है ना सारा, सारा पढ़ा है ना? Embedded software development. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मैं तुमको बताता हूं कि क्या है उसमें, तुम क्या चीजें लिख सकते हो। देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सब चीजें लिखो, ठीक है, सही है ना? लेकिन चीजें इनकी कुछ नहीं है ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। डोंट वरी, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आमतौर पर जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी ना किसी वर्जन ऑफ लिनक्स पे चलते हैं, ठीक है, और अक्सर उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, और माइक्रो पाइथन पे होती है, C++ पे या माइक्रो पाइथन पे होती है, राइट? IoT की आजकल उस पर होती है, लेकिन इसमें जितनी भी चीजें हैं कोई इतनी वो नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू बी, आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल्स दे दूंगा, और तुम्हें ना मैं तुम्हें इसके लिए तैयारी कर दूंगा कि तुम उसके लिए तैयार हो सको। बेसिकली उसमें अगर तुम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के कमांड्स देखोगे, इट्स दे आर वेरी सिंपल कि अगर ये कंडीशन मीट करती है स्टॉप, अगर ये कंडीशन मीट करती है स्टार्ट, अगर ये कंडीशन मीट करती है पॉज, अगर ये कंडीशन मीट करती है, इस तरह के ना उसके कमांड्स होते हैं आमतौर पर। उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है डिपेंडिंग कि कितना क्या है। जैसे गाड़ियों के अंदर जो है ना सेंसिंग यूनिट्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं ना, ठीक है, तो वो सारा का सारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चल रहा होता है, सब उसका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ही है। असेंबली लैंग्वेज, यस यस, राइट? तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर तुम्हें सी आती है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। टेल देम कि भाई देखो मेरे पास, इफ यू गिव मी समथिंग आई कैन डायग्नोस इट, आई कैन हैक इन टू इट, आई कैन बेसिकली डायसेक्ट इट, आई कैन रिवर्स इंजीनियर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। और ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है ना वो ऑटोनोमस में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, मोबिलिटी सर्विसेज में, कनेक्टेड के अंदर, तमाम चीजों के अंदर वो इस्तेमाल होता है, राइट? तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू इंशाल्लाह टू गो इनटू दैट। बट ये सवाल लिख लो, ये जो चीजें हैं ना ये रिकॉर्डेड है, मैं डाल दूंगा इसको, तुम इसको फॉलो भी कर लेना और अपने आपको तैयार भी कर लेना ताकि तुम ना 100% के लिए तैयार हो इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है, बस ठीक है इंशाल्लाह, जाओ अपनी तैयारी करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं तुम्हें इसके ऊपर काम करके भेजता हूँ और फिर हम आगे इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं, ठीक है, सही है? जो टास्क मुझे करने हैं ना, मुझे याद दिलाने के लिए देख दो फैसल भाई, ये जो है ना साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये वाला छोटा सा लिखना है, वो लिख के मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारा जो काम है वो बस प्रोटोकॉल्स और टूल्स और सब चीजों को तुम्हें लिस्ट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स। मुझे याद है मैंने जो है क्यूएल के अंदर पोस्टमैन हम यूज करते थे, अगर तुमने शेफ, पपेट, पोस्टमैन कुछ भी यूज किया है, लिखो एंसेबल, व्हाटएवर यू हैव यूज्ड फॉर ऑटोमेशन पर्पसेस फॉर एपीआई कॉलिंग्स, मेंशन देम, सो दे नीड टू नो कि तुम्हें क्या काम आता है, राइट? सो मेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। चलो तुम काम करो उसके ऊपर, मैं तुम्हें सीवी तुम्हारा भेजता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए खैर वाफीत के साथ, मैं इंशाल्लाह भेजता हूँ। जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो मुझे बताना क्या होगा इंशाल्लाह। बस ये कि नमाज इस्तखारा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, और अल्लाह से खूब दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरे लिए इसमें खैर डाल दें और इसमें बेहतरी डाल दें और मुझे आराम से इंशाल्लाह इस कर दें, अल्लाह ताला कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सही है ना? बाकी तुम पीछे से दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहो, यू नेवर नो कि तुम कहाँ लैंड करोगे, अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। एक दफा जब तुम लग जाओगे ना, बैठ जाओगे, लेकिन ये बात याद रखना बैठने के बाद लर्न करते रहना, तो ये नहीं कि तुम बस बैठ गए आराम से, ठीक है। हाँ देखो, जब एक दफा जब कोई जॉब पे लग जाता है ना, फिर मैं उससे बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जॉब क्लासेस ले लो। अब एक बच्चा है सैयद अरसलान, उसने सीसा भी पास कर लिया, सिसम भी कर लिया, सी गेट भी कर लिया, जॉब पे लग गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा है, वहां का सिक्योरिटी मैनेजर है,
वो बार बार मैसेजेस कर रहा था, मैं बोलता हूँ भाई अब तुम बस काम पे लग गए, अब तुम जाओ कोर्सेज में जाके पढ़ो। मेरा काम था उदखल इंटरव्यू, दखल जॉब अल्लाह ने तुम्हें बिठा दिया, अब तुम जाओ खुद काम करो यार, ठीक है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो मैं सब चीजें बता चुका हूँ, मैं उंगली से पकड़ के किसी को नहीं चला सकता, राइट ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ उस वक्त तक बात कर रहा हूँ जब तक तुम्हारी जब जॉब लग जाएगी, बस फिर मुझे नमाज में जब ना जब दुआ मांगो तो नमाज के बाद तुम जाओ, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है चलो इंशाल्लाह, ठीक है ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। चला ये मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, तुम उसको देख लेना वहां से तुम्हें क्या क्या चेंजेस करनी है, और पीछे से अपना काम करो, मुझे मैसेजेस करके लिख देना कि फैसल भाई ये सब काम कर दें ताकि मैं जल्द से जल्द करता हूँ, ठीक है चलो जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।